स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, स्टैंडर्ड 9th। इसमें क्वेश्चन 4 आपको दिया है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है तो उस चतुर्भुज की भुजा तथा परिमित ज्ञात करो। किसी समचतुर्भुजों के विकर्ण की लंबाई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज दिया हुआ है और भी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सवाल हल करते समय आपको चतुर्भुज के सारे गुणधर्म ध्यान में रखना होगा। हमने ABCD एक समचतुर्भुज बनाया, नाम है इसका A, यहां से स्टार्ट करते हैं BCD। विकर्णों की लंबाई क्रमशः 20 और 21 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई हम लिए, एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है। AC और BD ए विकर्ण है। AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और BD इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। विकर्णों की लंबाई 20 और 21 है, तो आपको चतुर्भुज की भुजा और परिमित ज्ञात करनी है। आपको ज्ञात करनी है भुजा की लंबाई और आपको पता लगाना है इसकी परिमिति क्या होगी, परिमित बराबर कितना। तो यहाँ पे है, माना ABCD एक सम चतुर्भुज है और विकर्ण की लंबाई जो है 20 और 21 दिया हुआ है। अब लेंगे, माना ये दोनों विकर्ण, माना विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। माना विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब यहां देखेंगे, लिख देंगे यहां पे AO। AO जो है AC विकर्ण है, AO इक्वल टू 1/2 AC। AO AC का आधा होगा। उसका गुणधर्म कारण लिखेंगे, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक करते हैं। कारण, इसलिए AO बराबर 1/2 AC। 1/2 AC का मान आपको दिया है, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 लिखेंगे, कट करेंगे 10 आएगा, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से BO इज इक्वल टू 1/2 BD। यहाँ पे डालेंगे BO इज इक्वल टू 1/2 BD। कारण, सम चतुर्भुज के विकर्ण, ऊपर वाला ही कारण है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो समद्विभाजित करते हैं तो BO का मान BD का आधा होगा। AO और BO समद्विभाजित करते हैं, मतलब हुआ कि यह इसके बराबर होगा और AO OC के बराबर होगा। हम निकालना है खाली AO, AO इज इक्वल टू AC का आधा, AO इज इक्वल टू 1/2 AC और BO इज इक्वल टू 1/2 BD। 1/2 BD आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। अब भाग देंगे 21/2,
यहाँ पे 21 दो से भाग देंगे, 2 1 2, यहाँ पे 1 आया, 1 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, पहला अंक उतारने के बाद में 0 रखेंगे, फिर उसके बाद में पॉइंट डाल के फिर यहाँ पे 0 लाएंगे, 2, 5 या 10, आपका आंसर आया 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको मिला, यहाँ पे लिख देता हूँ, और 10.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOB को अलग करता हूँ। देखो त्रिभुज AOB, अब आगे और जाइए, आपको निकालना है भुजा की लंबाई और परिमित निकालना है। भुजा AB, AD, DC, CB, चार भुजाएं हैं, किसी एक की लंबाई निकाल लो, क्योंकि समचतुर्भुज में सब भुजाएं बराबर होती हैं। परिमित होगा अगर एक भुजा की लंबाई आए तो 4 से गुणा कर दो, वो परिमित होती है, सभी भुजाओं का योगफल। तो 4 भुजाएं हैं, सबकी लंबाई समान है, परिमित बराबर 4 गुणे भुजा। तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे, तो हमको BO और AO मिल गया है। अब एक गुणधर्म और लगाएंगे कि कोण AOB बराबर 90 अंश होगा, कारण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत होते हैं, दूसरे के लंबवत होते हैं, या दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 अंश के कोण पर, 90 अंश का चिन्ह है, तो कोण AOB बराबर 90 अंश। तब हम क्या करेंगे, त्रिभुज हम AOB को अलग कर लेते हैं, ये त्रिभुज मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे कोण 90 अंश है, और A है, ये B है, O है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, और BO आपने निकाला है 10.5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में मेजर कोण, कोण AOB इज इक्वल टू 90 अंश, 90 अंश का है, समचतुर्भुज के विकर्ण, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, लंब होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लंबवत भी होते हैं। अब जब ये लंब हुआ तो इसके सामने की भुजा जो है समकोण त्रिभुज हुआ, इसके सामने की भुजा का एक स्पेशल नाम आएगा, जो नाम कहलाएगा कर्ण। ए बी आपका कर्ण हुआ, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, AB का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, अन्य दो भुजा क्या है, AO का वर्ग प्लस BO का वर्ग, AO इज इक्वल टू 10 का वर्ग, BO इज इक्वल टू 10.5 का वर्ग, 10 का वर्ग 10 गुणे 200, 10.5, आप यहाँ पे 10.5 का वर्ग का मतलब हुआ 10.5 × 10.5, ये हुआ, आप जब इसको गुणा करेंगे 105 और 105, जैसे करते हैं 5 5 25 कैरी 2 50 × 0 + 2 5 5 5, 0 से करेंगे 0 × 5 0 0 × 0 0 0 × 10, फिर यहाँ पे 2 खाली हो जाएगा, 1 × 5 5 1 × 0 0 1 × 1 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 + 0 2 5 5 10 0 carry 1, एक यहाँ पे 1 carry 1 + 0 + 0 1, और ये 1 आया 11025, दशमलव के बाद में देखिए 10.5 है, ये 10.5 है, और ये 10.5 है, दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के बाद में एक अंक, सब मिला के यहाँ पे 2 अंक के बाद में कि क्या इस तरफ बाई तरफ 2 अंक के बाद में दशमलव, आपका आएगा 110.25, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, अब 100 है, 100 के आगे दशमलव था नहीं, दशमलव लिख के 00 आप लिख सकते हो, और यहाँ पे 110.25 है, अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए यहाँ पे 0 + 5 5 2 + 0 2 0 + 0 0 1 + 0 1 1 1 2 210.25, इसको जोड़ने पर
आया आपका ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 210.25। अब ए बी इज इक्वल टू करणी में, अब इसको दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर 210.25, इसका वर्गमूल निकालो। वर्गमूल मतलब कौन सी संख्या उसी में गुणा किए कि 210.25 आएगी। अब इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो आपको भुजा ए भी मिलेगी। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। देखिए 210.25, दशमलव के बाद में दो अंक है, इसको हम बटे 100 करके लिख सकते हैं। दशमलव के बाद में एक अंक रहेगा तो बटे 10, दशमलव के बाद में दो अंक रहेगा तो बटे 100, दशमलव के बाद तीन अंक रहेगा तो बटे 1000। दशमलव को हटाएंगे कैसे, भिन्न में कैसे लिखेंगे। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, 210 और 25 का गुणनखंड यहाँ पे करेंगे। जब गुणनखंड करने में यहाँ पे आप पाएगा 210.25, पहले 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग दो, 5 यहाँ पे आएगा, 5 चौक 20, यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, 5 पचा 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 अठे 40, 5 चौक 20, 5 एक 5, ये 841 भाग 2, 3, 4, 5 से आप देते चले जाओगे तो आपको यहाँ पे 29 से भाग जाएगा। 29 और 29, यहाँ पे 29 एक 1, जब तक एक नहीं आएगा तब तक आप रुकोगे नहीं। आपका गुणनखंड 5 × 5 × 29 × 29 आया है, 5 × 5 × 29 × 29 यहाँ पे। तो आप यहाँ लिखोगे 5 × 5 × 29 × 29 बटे, ए है 10 × 10, इसका जब खंड करके आएंगे 10 × 10, और आप जब बाहर निकालोगे तो 2 है, 5 × 5 के सिंगल निकालोगे, और 29 × 29 से डबल है तो आप ए सिंगल करके वर्गमूल है, 29 × 29 का वर्गमूल 29, 10 × 10 का वर्गमूल 10। अब इसको गुणा करोगे, 5 × 9 = 45 करी, 4 × 5 = 145 अपॉन 10, और यहाँ पे आया 10 से भाग देने का मतलब दशमलव आपका यहाँ पे है, एक अंक बाई तरफ आएगा तो 14.5 आपको भुजा ए बी आई, भुजा ए बी मिली 14.5। तो आपका एक रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, भुजा की लंबाई बराबर, भुजा की लंबाई बराबर 14.5। अब यहाँ पे आएगा परिमिति, परिमिति बराबर 4 × भुजा बराबर 4 × 14.5, 4 में 14.5 का आप गुणा करोगे तो वो आपको आएगा ओरली जो है आपका 4 × 5 = 20, 2 × 4 = 16, 18, 2 जोड़ दिया 58, दशमलव यहाँ पे रखोगे इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर। ये आपका आया परिमित बराबर 58 सेंटीमीटर, परिमित आपको निकली 58 सेंटीमीटर, और भुजा की लंबाई निकली है, भुजा की लंबाई जो निकली है वह निकली है आपकी 14.5 सेंटीमीटर, और परिमित जो निकली है वह निकली है 58 सेंटीमीटर, और आपका ये फाइनल आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण आपको कथन बताना है सत्य है या असत्य है, और उसका आपको बताना है कारण, कारण क्या है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, ये आपका पहला कथन है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, सम चतुर्भुज पहले देखो, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, हम सम चतुर्भुज आपको बना दे रहे हैं,
एक सम चतुर्भुज है। इसकी सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं यहाँ पे, और समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सिर्फ सम्मुख भुजा सर्वांग सम होती है, आमने सामने की भुजाएं। तो यहाँ पे है कि समांतर चतुर्भुज की सिर्फ सम्मुख भुजा सर्वांग सम होती है, यहाँ पर प्रत्येक भुजा सर्वांग सम होती है, इसलिए समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है। यह आपका कथन असत्य है, कारण सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांग सम होती है, इसलिए प्रत्येक समांतर चतुर्भुज जो है सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है। पहला था। दूसरा है, प्रत्येक सम चतुर्भुज आयत होता है। अब इसको देखिए आप, प्रत्येक सम चतुर्भुज आयत होता है। क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य? अब चलिए, आयत के बहुत सारे गुणधर्म है, सारे गुणधर्म मिलने चाहिए। हमने आयत बनाया है ए बी सी डी, हम ये देखते हैं, एक गुणधर्म देखेंगे, प्रत्येक सम चतुर्भुज आयत होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, प्रत्येक कोण, ये आयत का गुणधर्म है, आयत का कोण ए बी सी डी सब 90 अंश का होता है, लेकिन सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज के कोण 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश नहीं होते हैं सम चतुर्भुज के, लेकिन सम चतुर्भुज का नहीं होता है, इसलिए आयत सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है। यह कथन भी आपका असत्य है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन सम चतुर्भुज का कोण 90 अंश का, प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। चलो इसको देखते हैं। प्रत्येक आयत समांतर एक चतुर्भुज होता है। आयत देख लेते हैं हम, आयत और समांतर चतुर्भुज, ये देखिए ए बी सी डी आयत है, पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या है? किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज होता है, तो आयत की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, आयत की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और अतः आयत, प्रत्येक जो आयत है वह समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए यह कथन आपका सत्य है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 4, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग आयत होता है। आयत क्या है, किस आधार पर हम लेंगे? ए बी सी डी आयत है। क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, यद किसी चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो तो आयत कहलाता है, और वर्ग के भी सभी कोण समकोण होते हैं, पी क्यू आर एस मान लो वर्ग है, इसके भी प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, तो आयत है, प्रत्येक आयत, प्रत्येक वर्ग जो है आपका आयत होता है, इसके भी प्रत्येक कोण समकोण, इसके भी प्रत्येक कोण समकोण, बाकी गुणधर्म समान, इसलिए प्रत्येक वर्ग जो है वह आयत होता है, इसलिए यह कथन भी आपका सत्य है। स्टेटमेंट नंबर 4 था। उसके बाद में आपका पांचवा कथन है, पांचवा स्टेटमेंट है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज
आयत होता है। अब आप इसमें देखें, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, तो एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। अब सारे के गुणधर्म आपको याद रखना है और उसकी तुलना करनी है, ए बी सी डी, यह समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, मैंने एरो से इंडिकेट कर दिया। सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। देखो ये आयत हम लेते हैं, मान लो ये पी क्यू आर एस आपका आयत है। एक चीज है, इसका प्रत्येक कोण सर्वांगसम होता है, हर कोण सर्वांगसम होता है, और प्रत्येक कोण का माप जो है वह भी आपको 90 अंश का होता है। सिर्फ इसी आधार पर कह सकते हो आयत में प्रत्येक कोण, आयत में प्रत्येक 90 अंश का होता है, समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। अब इसमें कारण यह है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज के आवश्यक नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 अंश के हों। इसलिए यह कथन इस आधार पर असत्य है। यह आपको कारण लिखना, कारण क्या लिखना पड़ेगा, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं हो सकता है, आवश्यक नहीं है प्रत्येक कोण समकोण हो, इसलिए यह कथन आपका असत्य है। इसलिए मैंने आज आप लोग को चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 मैंने एक्सप्लेन कर लिया। ओके।